नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ की खास पेशकश। आज का इतिहास और आज तारीख 15 मई है। 15 मई से जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम का अगर जिक्र करूं तो हिंदुस्तान के इतिहास से बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का आज की तारीख के ही दिन जन्म हुआ था। इसके अलावा मॉस्को मेट्रो पब्लिक के लिए खोला गया। और भी है ऐतिहासिक घटनाक्रम, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साल 1907 में आज की तारीख के ही दिन हिंदुस्तान की आजादी के लिए खुशी खुशी फंदे पर लटक गए थे क्रांतिकारी सुखदेव थापर। साल 1940 में रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनाल्ड्स दोनों भाइयों ने एक साथ आकर कैलिफोर्निया में छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। आज उसी मैकडोनाल्ड्स के 119 मुल्कों में 35,000 आउटलेट्स हैं। साल 1957 में प्रशांत महासागर में किए गए श्रृंखलाबद्ध परीक्षणों के अंतर्गत पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण ऐलान ब्रिटेन के सप्लाई मंत्री ने किया था। साल 1974 में इजराइल के एक स्कूल में बंधक बनाई गई 16 किशोरियों की जाने गईं। साल 1935 में आज की तारीख के ही दिन मॉस्को मेट्रो पब्लिक के लिए खोला गया। साल 1958 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक 3 लॉन्च किया। साल 1967 में बॉलीवुड की धकधकल कही जाने वाली अदाकारा माधुरी दीक्षित का जन्म हुआ। साल 1925 में आज की तारीख के ही दिन पहले अरेबिक कम्युनिस्ट न्यूज़पेपर की शुरुआत की गई। तो ये था आज की तारीख का इतिहास। एक बार फिर से हम अगली तारीख का इतिहास लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।